नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, गौतम अडानी के साम्राज्य में लगे हिंडनबर्ग के ग्रहण को एक महीना पूरा हो गया है। इस एक महीने में अडानी ग्रुप अपने सबसे बुरे दौर से गुजरा और अभी भी सिलसिला जारी है। दोस्तों, महीने भर में अडानी स्टॉक में जो सुनामी आई है उससे शेयरों की कीमत अब उतनी ही रह गई है जितना हिंडन की रिपोर्ट में इसे ओवरवैल्यूड बताया गया था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर 85% तक ओवरवैल्यूड है। आइए जानते हैं कि 24 जनवरी से अब तक कौन सा शेयर कितना टूटा है। दोस्तों, अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक महीने पहले यानी 24 जनवरी को पब्लिश की गई थी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर से लेकर कर्ज से जुड़े 88 सवाल अडानी ग्रुप पर उठाए गए थे। 2017 में शुरू होने के बाद करीब 16 कंपनियों पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश कर चुकी शॉर्ट सेलर कंपनी ने अडानी ग्रुप को लेकर दावा किया था कि इसकी शेयर बाजार में लिस्टेड 7 प्रमुख कंपनियां 85% से अधिक ओवर वैल्यूज है, यानी जिस शेयर की कीमत 100 रुपए है दरअसल उसका असली भाव महज 15 रुपए है। अब इस रिपोर्ट को पब्लिश हुए एक महीना हो गया है और अडानी के शेयर भी इस दौरान गिरते गिरते उसी लेवल पर आ गए हैं जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया गया है। दोस्तों, इस एक महीने के बुरे दौर में अडानी ग्रुप के 3 शेयरों ने सबसे ज्यादा गिरने का रिकॉर्ड बना दिया। इसमें अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के स्टॉक शामिल हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे बुरी हालत अडानी ग्रीन के शेयर की है। यह स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई 348 रुपए के स्तर पर है और अब करीब 85% नीचे आ चुका है। इसमें लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। बीते महीने 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले इसका भाव 1,916.80 रुपए था। कंपनी के शेयर में आई इस गिरावट के चलते कंपनी का मार्केट कैप भी 1,00,000 करोड़ के नीचे आ गया है। दोस्तों, हिंडनबर्ग के भंवर में फंसकर धराशायी हुए अडानी ग्रुप के अन्य शेयरों की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन का शेयर बीते 24 जनवरी को 2,762.15 रुपए पर ट्रेंड कर रहा था। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और 25 जनवरी 2023 ने इसमें जो गिरावट शुरू की वो अभी भी उसी स्तर से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बात करें अडानी टोटल गैस के शेयर की तो 24 जनवरी से अडानी टोटल गैस कंपनी की मार्केट वैल्यू में 4.3 लाख करोड़ रुपए से कम होकर 1,00,000 करोड़ से भी नीचे आ गई है। स्टॉक प्राइस के लिहाज से देखें तो 24 जनवरी को अडानी टोटल शेयर का भाव 3,851.75 रुपए था और अब तक इसमें 80.68% की गिरावट आ चुकी है। दोस्तों, अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप की 10 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। इसमें शामिल अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों की निवेशकों को कंगाल बनाने का काम किया है। हिंडन का कहर शुरू होने से पहले इस स्टॉक का भाव 24 जनवरी 2023 को 3,442 रुपए था, लेकिन इसने ऐसा गोता लगाया कि अब इसकी कीमत घटकर 1,372.65 रुपए रह गई है। बीते महीने भर में इसका भाव करीब 62% तक कम हो गया है। दोस्तों, अडानी बिल्मर के शेयर एक महीने में 572.65 रुपए से 36% टूटकर अब 370.10 रुपए पर कारोबार कर रहा है। अडानी पावर का स्टॉक इस समय 47% के करीब टूट चुका है और 275 रुपए से 147 रुपए पर आ गया है। वहीं अंबुजा सीमेंट के लिमिटेड के शेयर 499 रुपए से 32% कमजोर होकर अब 342.30 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा एसएससी सीमेंट का शेयर बीते 24 जनवरी को 3,336 रुपए पर बंद हुआ था और अब ये 1,725 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। एक महीने में इसका भाव करीब 28% से ज्यादा गिर गया है। वहीं अडानी के पोर्टफोलियो में शामिल एनडीटीवी का स्टॉक हिंडनबर्ग के अटैक के बाद अब तक 30% से ज्यादा कमजोर हो चुका है और इसका भाव 284 रुपए से गिरकर 195 रुपए पर पहुंच गया है।
दोस्तों बिजनेसमैन गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद से उन्हें हर रोज भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, उनके हाथ से एक के बाद एक डील भी फिसलती जा रही है। महीने भर के भीतर में ही अडानी अरबपतियों की लिस्ट में पहले 2 से 4, फिर 10 और फिर 20 और उसके बाद 25वें पायदान से भी बाहर खिसक कर 29वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर कहर बनकर टूट रही है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।